कारोबारी गौतम अडानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बीच गुरुवार को बैठक हुई। खबर है कि दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक चर्चाएं हुई। हालांकि अब तक बैठक का एजेंडा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट विवाद, जेपीसी जांच और एनसीपी में सियासी उथल पुथल के बीच बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, पवार और अडानी के रिश्ते की बात नई नहीं है। दोनों एक दूसरे को करीब 2 दशकों से जानते हैं। यहां तक कि पवार ने अपनी आत्मकथा लोक माझे संगाती में अडानी की जमकर तारीफ भी की थी। उन्होंने कारोबारी को मेहनत करने वाला और जमीन से जुड़ा व्यक्ति बताया था। खास बात यह कि उस दौरान अडानी कोयला क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहे थे। पवार ने यह भी लिखा था कि उनके कहने पर ही अडानी ने थर्मल पावर सेक्टर का रुख किया था। उन्होंने अपनी किताब में अडानी के कारोबारी सफर को भी शामिल किया था, जिसमें मुंबई लोकल में सेल्समैन के तौर पर काम करने से लेकर बड़ा कारोबारी बनने तक की कहानी है। वही बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान पवार ने कारोबारियों को निशाना बनाए जाने को लेकर भी बात की थी। उन्होंने कहा था, ये देश में कई सालों से हो रहा है। मुझे याद है कि कई सालों पहले जब हम राजनीति में आए थे तो अगर हमें सरकार के खिलाफ बोलना ही होता था तो हम टाटा बिरला के खिलाफ बोलते थे। उन्होंने आगे कहा, निशाना कौन थे? टाटा बिरला। जब हमने टाटा के योगदान को समझा तो हैरान रह गए, हम क्यों टाटा बिरला करते थे? लेकिन किसी को तो निशाना बनाना था तो हम टाटा बिरला को निशाना बनाते थे। आज टाटा बिरला का नाम आगे नहीं है, दूसरे टाटा बिरला सरकार के सामने आ गए हैं। इसीलिए अगर इन दिनों आपको सरकार पर हमला करना हो तो अंबानी और अडानी का नाम लिया जाता है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सीनियर पवार के भतीजे अजीत के चलते पहले ही सियासी अटकलों का दौर जारी है। कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने खुद ही साफ कर दिया था कि वो एनसीपी में ही रहेंगे। इसी बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 2 बड़े सियासी धमाकों का दावा भी कर दिया था। उन्होंने भी इसे लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की थी। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर पवार ने अजीत को पार्टी नहीं तोड़ने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी में जाने का व्यक्तिगत फैसला अजीत पर ही छोड़ रखा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।